आइए दोस्तों मिलके बनाते हैं क्रिस्पी, करारी और जूसी जलेबी, जिसे हम इंस्टेंट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें जब भी तुरंत जलेबी खाने का मन हो, हमें मार्केट से लाने की कोई जरूरत नहीं, हम इसे घर में फटाफट से बहुत ही कम सामान से बना लेंगे। इसमें ना तो हम दही का यूज करेंगे, ना ही नींबू का, ना ही बेकिंग सोडा का और ना ही बेकिंग पाउडर का। तो आज की जलेबी की खास बात ये है कि ये सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगी और इसमें हमें इतनी ढेर सारी चीजों को डालने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले 2 कटोरी चीनी लेंगे और इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे। फ्रेंड्स, 1 कटोरी पानी डालने से होगा क्या कि ये बड़ी जल्दी से सीरा बन के, सीरा या आप जो भी चाशनी कहते हैं, वो बन के तैयार हो जाएगा। तो चाशनी बनाने के लिए सिर्फ हमें चीनी को मेल्ट करना है और ये देखिए, जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए तो हम उसमें डाल देंगे ये रेड कलर का फूड कलर। तो बस बिल्कुल एक चुटकी लेना है क्योंकि हमारे पास ये रेड कलर का फूड कलर था, और अगर आपके पास ऑरेंज कलर है तो आप थोड़ा सा ज्यादा यूज करिएगा। ये देखिए, बस हमें इतना ही कलर यूज करना है। देखिए, परफेक्ट ये कलर आ चुका है और देखिए, जैसे इसमें उबाल आएगी तो ये समझिए हमारी चाशनी बनके तैयार होने वाली है। अब डाल देंगे हम इसमें 3 टेबलस्पून दूध। तो फ्रेंड्स, दूध क्या करेगा, दूध से जो ऊपर चीनी जम जाती है और जो चीनी में गंदगी होती है, मैन तो ये काम करती है कि जो चीनी में गंदगी होती है, देखिए आप किनारे से देखिए, जो ये गंदगी है ना, ये किनारे में लग जाएगी। तो बस हम क्या करेंगे, हम चीनी की सारी गंदगी को निकाल लेंगे इस स्पून से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक सी ट्रिक है जो आपको कोई आपके साथ शेयर नहीं करेगा और ये बहुत पुरानी भी है। दूध डाल के हम चीनी की यानी चाशनी की गंदगी सारी निकाल देते हैं। और देखिए, चाशनी बन के तैयार हो गई है। हमें इसे बिल्कुल ज्यादा नहीं पकाना है, जैसे ही उबाल आती है बस पक गई। देखिए, बस हल्की सी चिपचिपी हुई और हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए, अब जलेबी के लिए बेस तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने लिया है 1 कटोरी मैदा और इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून देसी घी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देसी घी का यूज करिए और सिर्फ डालना है हमको इसमें इनो। तो इनो का हम ये पूरा सैसे इसमें डाल देंगे, ये लेमन फ्लेवर वाला है। तो बस यही सैसे हमें डाल देना है, पूरा डाल देना है। फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छी क्रिस्पी, खुश्क और रसीली जलेबी बनके तैयार होंगी, एकदम जूसी जलेबी बनेगी। देखिए, अब हम मैदा को बढ़िया हाथ से, अपनी दोनों हथेलियों से जो हमने घी और इनो डाला है ना, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब डालेंगे हम इसमें पानी। तो हम आपको फ्रेंड्स पानी भी दिखा दे रहे हैं, इसमें हम जितना मैदा लेंगे उससे बस थोड़ा सा कम पानी लगेगा। तो देखिए, हम सारे पानी को एक साथ नहीं डालेंगे, हम पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। अगर हम पानी को एक साथ डाल देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे और हमारी जलेबी परफेक्ट बन के तैयार नहीं होंगी। और ये देखिए, हम इस तरह से पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपके पास अगर बिस्कर है तो आप बिस्कर से मिक्स कीजिएगा, और अगर आपके पास बिस्कर नहीं है तो स्पून का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, आप अपने हाथों का यूज कीजिएगा, क्योंकि हमारे हाथ किसी भी बिस्कर की मोहताज नहीं है। हमारे हाथ तो बिस्कर से भी ज्यादा अच्छे हैं और बिस्कर से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। ये देसी तरीका होता है, तो इसे जरूर अपनाइए। अब देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, एकदम फ्लोइंग होनी चाहिए। देखिए, हम स्पून से आपको दिखा रहे हैं, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है फ्रेंड्स। और ये देखिए, हम स्पून में दिखाएं आपको, एक मोटी सी थोड़ी मोटी कोडिंग हो जानी चाहिए, देखिए इस तरह से। तो बस यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और अब हम इसे साइड कर लेते हैं। अब देखिए, हमने ये फॉर्चून की जो पॉलीथिन होती है ना, जिसमें फॉर्चून ऑयल आता है, तो बस हमने वही ले ली है। आपके पास दूध की पॉली हो या जो भी आपके पास केक की क्रीम वाली पॉली हो, जो भी हो वो आप यूज कर सकते हैं। ये जनरली सबके पास होती है, तो मैं इसे दिखा रही हूँ। और देखिए, इस तरह से हम इस पॉली के अंदर ये बेस डाल देंगे और बस हम इसको बढ़िया से अच्छे से डाल लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो फटाफट से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरी मेहनत के लिए 1 लाइक 1 शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारी चैनल को। और ये देखिए, बस इस तरह से हम फोल्ड करके, अगर आपके पास रबड़ है और आप रबड़ से इसे पैक करना चाहते हैं तो बस यहीं पर रबड़ लगा दीजिए, तो आपका बेस बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। तो बस अब देखिए, हम एक पैन रखेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि फ्लैट तली वाला पैन रखना है और उसमें डालेंगे देसी घी। तो फ्रेंड्स, अगर आप फॉर्चून यूज करना चाहें तो आप फॉर्चून भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जलेबियां देसी घी में बहुत अच्छी लगती हैं। और देखिए, ये देखिए, हमारा पैन गर्म हो गया है, तो बस हम जलेबियां डाल देंगे।
और बस देखिए हम फटाफट से जलेबियाँ डाल लेंगे। तो मैं आपको बहुत आराम से सिलोली डाल के दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से, ताकि आप आराम से राउंड राउंड घुमाते जाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप पहली बार बनाएंगे तो हो सकता है एक दो बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, शेप प्रॉपर नहीं आए, तो कोई नहीं, प्रॉपर नहीं आता है शेप तो कोई दिक्कत नहीं, खाना तो हमको जलेबी ही है ना। और फ्रेंड्स हमको जलेबियाँ हाई फ्लेम में ही डालनी है, तो हमारी बढ़िया फूली फूली और आपकी जलेबी बन के तैयार, टेंशन मत लीजिएगा, सेब कैसा भी आए इसमें आपका प्यार और आपकी मेहनत शामिल है, तो आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आएंगी। और ये देखिए मैं भी आपको ऐसी टेढ़ी वेढ़ी सी जलेबी बना के दिखा रही हूँ, ताकि आपको भी जब आप बनाए ना, तो आपको भी थोड़ी सी हेजिटेशन ना हो कि मेरा सेब प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो मैंने भी ऐसे नॉर्मली जलेबी डाल के दिखाई, आगे मैं आपको बहुत बढ़िया सेब डाल के दिखाऊंगी। देखिए बस हमको सारी जलेबियाँ निकाल लेनी है, और देखिए इसका कलर बिल्कुल इतना ही रखना है, ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है। बस हम डाल देंगे और देखिए इसे उलट पुलट देंगे, तो जो हमने पहले जलेबियाँ सेक के रखी है ना, तो उसमें सीरा बढ़िया से पहम चुका है, तो हम उसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी जलेबियाँ कितनी बढ़िया परफेक्ट बन के तैयार हुई है ना। बस देखिए फ्रेंड्स हमने आपको एक जलेबी उठा के दिखा रहे हैं, और आप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी बढ़िया जलेबी है। और अब देखिए मैं आपको प्रॉपर तरीका दिखा रही हूँ आप किस तरह से जलेबी बनाइए। ये देखिए इस तरह से राउंड राउंड घुमाइए और ये एक लाइन आगे ले जाइए, फिर इस तरह से राउंड घुमाइए और लाइन को आगे ले जाइए। बस ये होता है परफेक्ट तरीका, इस तरह से आपकी जो जलेबी है ना तो फैलेगी और ना ही एक दूसरे से चिपकेगी। तो बस फ्रेंड्स इस तरह से जलेबी बनाते जाइए और आप एंजॉय कीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो फटाफट से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस मैं आपको कई बार ये जलेबी डाल के दिखा रही हूँ, ताकि आप अच्छे से सीख पाए ये जलेबी बनाना। आप चाहे किसी तरह से बनाइए, मैं आपको तीन तरह से जलेबियाँ बनाना बता रही हूँ, आपको जो सही लगे आप उस तरह से जलेबी बना लीजिए। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, पर आप थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको मेरी चैनल में कोई कमी नजर आती है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि वी आर अ फैमिली, तो हम फ्रेंड्स यूट्यूब वाली फैमिली हैं, तो आप मुझे जरूर बताया करिए अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी नजर आए। देखिए कितनी बढ़िया फूल के जलेबी तैयार होंगी फ्रेंड्स, तो बस इस तरह से आप भी जलेबी बनाइए और एंजॉय कीजिए। और होली आ रही है फ्रेंड्स पास में, तो होली में आप इसी तरह से जलेबी बनाकर खाइए और सबको खिलाइए। बस तो अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे, और ये देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसे कटोरे में, देखिए ये बिना चाशनी वाली जलेबी है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कितनी क्रिस्पी है ना फ्रेंड्स। और ये देखिए ये चाशनी में डली हुई है, ये देखिए कितनी जूसी है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर जूस बड़ा अच्छे से गया है, देखिए ये कितनी क्रिस्पी। आपको जिस तरह की जलेबी पसंद हो आप उस तरह से बनाइए और इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।